क्या, क्यों धमका रहे हैं आप चंद्रशेखर भाई? धमकाने का मतलब क्या है सर? सामने देख लो भैया। हाँ जी बिल्कुल सर, धमकाने का मतलब नहीं है कुछ भी। हाँ। जो मायावती ने काम नहीं करा वो चंद्रशेखर भाई करेंगे, हमें इतना विश्वास है। विश्वास है? बिल्कुल पूरा विश्वास है, पक्का। अंदाज में आप बोल रहे हो, मैं भी डर गया। हाँ रे नहीं सर, किसी बात करिए, बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। और मायावती अभी ठंडी में, सर एक्सक्यूज मी, अरे एक्सक्यूज मी, ये आपने मिठाई दलित होने के नाते इनको खिलाई, मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे भी खिलाओ। बिल्कुल पक्का, दलित मुसलमान सब यहाँ हो गया। अब दो मिनट हम इनके साथ खाने नहीं पूछे, जात किसके क्या है। अब इनसे एक बात पूछ लें, एक बात इसलिए पूछना जरूरी है, ये कह रहे हैं हम योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे, गोरखपुर चले जाएंगे, जीतेंगे, आप क्यों गए हैं वहाँ? ये सवाल है मेरा भाई, क्यों गए हैं आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश में? हाँ योगी जी कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले योगी जी? उत्तराखंड के। तो हम तो उससे करीब है, हम तो यूपी के ही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब उत्तराखंड का व्यक्ति जाके वहाँ जीत सकता है तो यूपी का बेटा क्यों नहीं जीत सकता? और वो बेटा जिसने 5 साल सड़क पे लड़ाई लड़ी है, उत्तर प्रदेश का जो बेहाल है उसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ, जो भाईचारा टूटा है, जो बंटवारे की राजनीति हो रही, धर्म और संप्रदाय के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है उसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। एक मुख्यमंत्री को शोभा देता कि मंच से खड़े कहे कि मैं सर्दी गर्मी में शिमला बना दूंगा, ऐसे वैधानिक शब्दों का प्रयोग करें, मुख्यमंत्री सबके होते हैं। वो तो ठोक देने की भी बात करते हैं, तो जनता ठोकेगी ना। नहीं तो आप भी तो, आप कमजोर हैं क्या? आप आजमगढ़ में गए तो वो पुलिस वाले से लड़ गए, बोले मास्क उतारे, मुझे जानते हो क्या? ये भी तो गुंडा ही है, पुलिस वाले से ऐसा बोलना चाहिए क्या आपको? क्यों, पुलिस वाला भी तो सेवक ही है, मालिक थोड़ा ही है हमारा। जो गलत काम करेगा वो कोई हो, उसको जवाब देना पड़ेगा। और तनख्वाह हमारे हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है पुलिस वाले को। मैं पुलिस वालों का विरोधी नहीं, लेकिन अगर कोई भी सरकार के इशारे पे किसी गरीब के साथ अन्याय करेगा तो उसको हमारा सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। और गोरखपुर का सच सुनिए, 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है पानी में। मैंने आपके मीडिया चैनल देखा कि बच्चियां वहां नाव चला के जाती है स्कूल, और जनता बैठी तैयार जवाब देने के लिए। डर इस बात का, जनता डरती इसलिए सामने आने से कि वो झूठे मुकदमे लगा के जेल भेज देंगे। चलिए आप नहीं डरते हैं, अच्छी बात है। ये बताइए, ये जो जलेबी हम लोग खाए हैं इसका पैसा आप देंगे कि मैं दूंगा? अरे रुक जाओ यार, हम इनको भी खर्चा करने दो, नेता नगरी को भी कुछ देने दो उनको। नहीं नहीं आज नहीं देने देंगे, बिल्कुल नहीं नहीं, पैसा यही देंगे। आज हमारे मेहमान है, सुनो सर मेरी बात। हाँ अरे फिर जोश में आ गए, अब जोश में क्या आ गए तो मैं सुनूंगा जरूर। हिंदू मुस्लिम की बात ना करियो, वोट वोटिंग सारी यूपी आपके साथ है, टेंशन लेने की जरूरत ना भाई, हिंदू मुस्लिम ना करियो कभी भी। तो आज कार में सरकार के मेहमान थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। और इधर आइए जरा, हम अपने कार के पास ही, चूंकि आपके साथ साथ रात हो गई है, रात का वक्त हो गया है, तो इसलिए हमारी कार दिखती रहे। और आपने इतना वक्त निकाला चंद्रशेखर भाई, और तमाम सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज आपके जरिए दुनिया में रहने वाले करोड़ों लोग हमारी दिल की आवाज़ को सुनेंगे, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी लड़ाई इस नफरत की जो सियासत है उसके खिलाफ। तो आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो पुराने लोगों ने गलतियाँ की उसको ना दोहराऊं, उससे आगे निकल के अच्छा काम करके दिखाऊं। और वो कहें हिंदू मुसलमान मत करिएगा, मैंने तो आपका नहीं किया। जब इस देश में हिंदू मुसलमान करने के लिए CAA NPR NRC आया, तब चंद्रशेखर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़ा होते, लेट हो रहे हैं चुनाव के लिए, हर जगह भाषण देने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर भाई का। कार में सरकार में आगे किसी एपिसोड में कोई और खास मेहमान होगा, आप तब तक देखते रहिए और बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।